आपका नेता बोले उसके बाद क्या आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कह सकते हैं? 20, 25 या 50 ले आएगा तो तू ही रख लेना, हम 58 के आदमी नहीं है। मैंने पहले कह दिया है कि कमी नहीं है, पेड़ की जो टहनी हमने लगाई है उसी से ले लेंगे, हमारे पास बहुत पेड़ है। 5-10 लाख तो तू मार्केट से कमाते हो, तू पंडित आदमी है, तुझ पर बोझ नहीं डालेंगे, एक दे देना बस, इससे कम नहीं चलेगा, इससे कम हो तो आना ही मत, इससे कम का स्टैंडर्ड नहीं है मेरा, 10, 20, 50 के हम आदमी नहीं है। आप ये समझा दीजिए कि आदमी क्या बोल रहा है, वरना आपकी पार्टी ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? हद है, आज वो मुकेश गोयल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये सारी फर्जी वीडियो है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोर्ट में जाकर के मानहानि करेंगे। कब? एक बात समझिए आप, कर लेंगे ना, 20 साल भाई, कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, सलाखों पीछे जाएंगे आप। चिंता तीसरी बात एक बात समझिए आप कि इनके पास, मैं बार बार कह रहा हूं, 169 FIR कर चुके हैं, 135 FIR में कोर्ट ने यह कहा कि यह फर्जी FIR है। अब ये भी एक फर्जी वीडियो, फर्जी डॉक्यूमेंट, ये मैं ताबे से कह सकता हूं, नहीं जाएंगे एसीबी के पास, ये आएंगे आपके मीडिया के पास। क्या कहा कि नहीं नहीं जी, मीडिया को हम दिखाएंगे। अरे क्या आपकी एजेंसी नकारा है, क्या आपने एजेंसी विश्वास नहीं है आपको, अपने एसीबी पे, अपने सीबीआई पे भरोसा क्यों नहीं है? जाइए उसके पास, आप पास क्यों आते हैं आप? एसीबी ने जब आपने आरोप लगाया ना कि टिकट एमसीडी का बांटा जा रहा था, तो एसीबी ने पकड़ा ना एक विधायक के पीए को, साले को पकड़ा आपने, इस केस में आपने गिरफ्तारी नहीं की, वीडियो जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मॉफ्ट वीडियो है और स्टिंग का ऐसा वीडियो एडमिसिबल भी नहीं, आप तो वकील हैं। मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, आपके चैनल पे क्रमवार तरीके से चलते हैं और दिखाते हैं कि भ्रष्टाचारी होने के साथ साथ कितने बड़े झूठे हैं। इन्होंने कहा अंजना जी कि कोर्ट ने बोला है कोई एविडेंस नहीं है, और अभी हम एविडेंस देख रहे हैं। ठीक है, मेरे हाथ में देखिए, एक्यूज नंबर 1 आबकारी में कौन है? मनीष सिसोदिया। यहां एक्यूज नंबर 1 है सत्येंद्र जैन, पहली बात। दूसरी बात, ये ऑर्डर है, ये कली का है, इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ये भ्रष्टाचार करने में जो है बिजी रहे हैं। ये देखिए, सुनिए, 3 लाइन पे फिर जवाब दीजिएगा। लेकिन दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ दी सीबीआई हैड कल्मिनेटेड इन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, एक केस में चार्जशीट फाइल हो गई, ये कह रहे एविडेंस नहीं है। दूसरा, ईडी का केस है, वो भी इसी ऑर्डर में लिखा है कि उसमें भी चार्जशीट फाइल है। चार्जशीट फाइल होने का मतलब यह है प्रमाण है, साक्ष्य है, तथ्य है, ट्रायल चलेगा, कोर्ट तय करेगा। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, अंत में इस फैसले में लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट सतेंद्र कुमार जैन हैड नोइंगली, जानबूझकर उसने ये इलीगल काम किया, आय से ज्यादा संपत्ति का भी यह मामला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। अब ये सारे तथ्य मैं आपको न्यायालय के आदेश से दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, प्रमाण ही नहीं, आप बताइए न्यायालय सच बोलेगा? न्यायालय सच बोलेगा? ये एक सेकंड, आप लोग पहले सीना ठोक के कहते थे ना संजीव जी कि हम पर ये कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, आरोप लगेगा तो इस्तीफा दो, ये कहते थे, आरोप लगेगा तो इस्तीफा दो। आज ये स्थिति आ गई है ना कि ये सब कुछ कोर्ट से कहा जा रहा है, सर ये कोर्ट की कही हुई बात है। अंजना जी, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि एक ही ऑफेंस में दो एजेंसी ने अपनी चार्जशीट जमा करी, एक ईडी, दूसरा सीबीआई, दोनों ने अलग अलग अमाउंट कोट किया। और यही बात न्यायालय ने पूछ लिया था इनसे कि भाई एक ही करप्शन में दो अमाउंट कैसे कोट कर रहे हो, और कोट करने का बेसिस क्या है? इनके पास बेसिस नहीं था कोट करने का, तो इस तरह का तो चार्जशीट दोनों एजेंसी बनाकर अपने पास रखी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं बार बार कि एक्यूज नंबर 1, भाई मनीष जी एक्यूज नंबर 1 हैं, आपने मनीष जी के आबकारी नीति पे आपने 500 से ज्यादा जगहों पे छापा मार लिया, 500 से ज्यादा जगह छापा मारने के बाद आपको क्या मिला? और साथ में इनको एक बात और जना जी पूछ लीजिए, वो जो हवाला कारोबारी है जिसने ये एंट्री की बात करी थी, वो कहा है? उसको कोर्ट ने प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो घर जमाई बनाकर उनको रखे हुए हैं, वो ऐश मौज कर रहे हैं। लेकिन एक फर्जी आदमी जिसने ये एंट्री की बात, ड्राफ्ट एंट्री करवाया, उसके बिहाव पे आप जैन साहब को जेल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सत्य को कुछ दिन तक छुपा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, तभी मैं बार बार कह रहा हूं अंजना जी कि इनकी अपनी ही एजेंसी, पूरी एजेंसी लगाने के बाद आज तक 1 रुपए का 1 अठन्नी का करप्शन नहीं साबित कर पाए।
ये है आम आदमी पार्टी की सरकार की ईमानदारी ताकत और बेल क्यों नहीं मिली ताकत। कल बेल क्यों नहीं मिली? एक सेकंड, बेल क्यों नहीं मिली? फिर बेल मिलेगी, अभी हम जा रहे हैं। देखिए, हमें पूरा अधिकार है, हम अपेक्स कोर्ट तक जाएं, हम जाएंगे हाई कोर्ट, मुझे पूरा विश्वास है, न्यायालय में पूरी आस्था है। चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी इन्होंने एक भी इस तरह का करप्शन साबित नहीं कर पाए, चार्जशीट फर्जी दाखिल किए हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें बेल मिलेगा।